सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आस्काई आस्काई कोड। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कैरेक्टर, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ एक कोड है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीमा यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर के थ्रू, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है उसे। इच कैरेक्टर और ए स्पेशल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सम आस्काई कोड। तो जितने भी कैरेक्टर A to Z 0 to 9 और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, लाइक इन्वर्टेड कोमा, जितने भी हैं, सभी को क्या एक स्पेशल कैरेक्टर में रखा गया, और इसमें क्या होता है, सभी का एक कुछ ना कुछ कोड होता है। ओके, तो इच आस्काई कोड ऑक्यूपाई 7 बिट इन मेमोरी। तो ये क्या होता है, 7 बिट मेमोरी में ये स्पेस भी लेता है। ठीक है, और इसकी रेंज अगर देखें तो 0 to 27 होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये एक क्या है, कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, और जिसका आस्काई वैल्यू जो है वो कितना है, 68 है। 68 है, तो मतलब कि ए कैपिटल ए है, तो क्या है, इसका आस्काई वैल्यू 68। अगर स्मॉल ए रहता तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, तो जितने भी कैरेक्टर, चूंकि ये जो होता है केस सेंसिटिव होता है, तो अगर आप कभी लोअर केस में लिखते हैं, कभी अपर केस में लिखते हैं, तो दोनों केस में जो है आस्काई वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं कैसे पता करेंगे। सिंपली हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करने के बाद क्या करते हैं, तो सपोज अगर हमें पता करना है कि जैसे कैपिटल ए का जो होगा कैरेक्टर, कैपिटल ए जो कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू कितनी होगी, उसका एक्चुअल कोड कितना होगा, वो कितना में उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ डिक्लेयर करना है। सपोज कैरेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैर लिखना होगा, और यहाँ पे कोई भी एक क्या कहते हैं, आपको वेरिएबल ले लीजिए, इस वेरिएबल को क्या असाइन कर देना है, कैरेक्टर को जो है हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कैपिटल ए लिखते हैं, ओके, और सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है इसकी जो है वैल्यू, आस्काई वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, बेसिकली हमें इसकी कैरेक्ट जो है आस्काई वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो अगर यहाँ हम परसेंट सी लिखते हैं तो ये कैरेक्टर वैल्यू ही प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें चाहिए इसका इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे परसेंट ही लगाएं, परसेंट ही हमें वैल्यू किसका प्रिंट करवाना है, ए का। तो आपको जैसा कि पता है कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि परसेंट डी जो होता है बेसिकली वो इंटीजर के लिए होता है, और परसेंट सी जो होता है कैरेक्टर के लिए होता है, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ए को जो है, स्मॉल ए को जो है कैपिटल ए असाइन किए हुए हैं। तो अभी अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं ए, तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये सिंपली जो है इसकी आस्काई वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपली ये क्या करेगा, इसकी आस्काई वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब क्या करना है, सिंपली रिटर्न 0 लगाना है। ठीक है, रिटर्न 0 लगा के सेव करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये सेव होने के बाद कंपाइल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कंपाइल, कंपाइल होने के बाद रन। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैपिटल ए का जो आस्काई वैल्यू है वो कितना होता है, 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे हम बी रख दें, बी रख दें, तो ये भी बी का क्या बताएगा, ऑब्वियसली बी का 66 हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम बी दें, फिर सेव करके इसे रन करवाएं, कंपाइल एंड रन, तो ये क्या दे रहा है, 66 दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे हम स्मॉल ए लेते हैं, तो स्मॉल ए को जब स्मॉल ए असाइन कर रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब आप यहाँ देखेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, देखिए इसका भी 97 होता है। ठीक है, तो
इसी प्रकार से आपको यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे उसका वो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देता रहेगा। एक दो मैं करके दिखाता हूँ कंट्रोल। जैसे कि अगर हम डी का जानना चाह रहे हैं तो डी में क्या करना है, सिंपली डी रख के यहाँ पे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो देखिए डी का कितना होता है, 100 होता है। ओके, बाकी अगर पूरा जो है इसका जानना है कि कितने जो है इसका रेंज में एग्जिस्ट करता है ओवरऑल आस्काई वैल्यू, तो वो जो है उसका रेंज है 0 to 127। मतलब इसके बीच जो है जितने भी जो है कैरेक्टर आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, डिजिट्स आते हैं, जितने भी कुछ आते हैं वो सभी क्या हैं, उस उन सभी का कोई ना कोई आस्काई वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या है कि सभी का आस्काई वैल्यू को हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सपोज आप चाहें यहाँ पे इंटीजर अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो इंटीजर अगर हम यहाँ लिखें तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ 5 असाइन किए, क्योंकि तो पता है कि 5 जो है ऐसे बाहर ही लिखा जाता है, डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे परसेंट डी, अगर यहाँ पे क्या करें कि अगर परसेंट डी लगा करके ए किए, तो ए करने के बाद क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू अभी ए ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, ए ही प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे कंपाइल कंपाइल करने के बाद सिंपली यहाँ कंपाइल एंड रन करेंगे, देखिए ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे परसेंट डी, ठीक है, तो ये तो पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाता ही है, तो जैसे ही ये इतना वैल्यू प्रिंट करवाता है तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी हमने इसको क्या किया, 5 असाइन कर दिया और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप तो कोई भी कैरेक्टर, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, सभी का आप वैल्यू आस्काई कोड के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।